इस दुनिया में हर इंसान दूसरे को चेंज करना चाहता है, दूसरे की नेचर को चेंज करना चाहता है, दूसरे के बिहेवियर को चेंज करना चाहते हैं। कुछ लोग हम में से अपने पार्टनर की नेचर को चेंज करना चाहते हैं, कुछ लोग अपने बच्चों के बिहेवियर को चेंज करना चाहते हैं, पर क्या हम ये चेंजेस उनमें ला सकते हैं? जी हाँ, हम ये चेंजेस उनमें ला सकते हैं, पर उसके लिए हमें सबसे पहले अपने आप को जानना है। और अगर हम अपने आप को जान सकते हैं तो हम दूसरों को भी जान सकते हैं, और अगर हम अपने आप को और दूसरों को जान सकते हैं तो हम अपनी प्रॉब्लम्स और दूसरों की प्रॉब्लम्स को भी हल कर सकते हैं। साइंस ने प्रूव किया है कि 95% डीएनए हम सब लोगों का सेम है। आपका, मेरा और इस दुनिया के अंदर हर इंसान का 95% डीएनए सेम है। सिर्फ 5% के वेरिएशंस आते हैं जिस वजह से हमारे बायोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। इट मीन्स कि 95% आप और मैं सेम हैं। जिसके बिहेवियर को आप चेंज करना चाहते हैं, 95% आप और वो सेम हैं। इस दुनिया में हर इंसान 95% आपके जैसा ही है। और अगर आप अपने बारे में जान सकते हैं, इसका मतलब आप इस दुनिया में 95% लोगों के बारे में जान सकते हैं। अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को हल कर सकते हैं तो आप इस दुनिया में किसी की भी प्रॉब्लम्स को हल कर सकते हैं। इस कोटेशन को ध्यान से सुनिएगा, मन जीते जग जीत। मन जीते का मतलब है कि अगर आप अपने आप को जीत सकते हैं तो आप इस दुनिया में, इस पूरे इकोसिस्टम में, इस पूरे ब्रह्मांड में आप किसी को भी जीत सकते हैं। अगर आप अपने बारे में जान सकते हैं, आप इस दुनिया में किसी के भी बारे में जान सकते हैं। और अगर आप अपने बारे में नहीं जान सकते तो आप इस दुनिया में किसी के भी बारे में नहीं जान सकते। अगर आज आपको किसी के बिहेवियर से प्रॉब्लम है, अगर आज आपको किसी की नेचर से प्रॉब्लम है, तो समझ लीजिए कि अगर आप उसकी नेचर को नहीं टैकल कर पा रहे, उसकी नेचर को नहीं चेंज कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं पर आप अपने आप को जानने में असमर्थ हैं। हम दूसरों को चेंज करना चाहते हैं, पर क्या वही चेंजेस हम अपने अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं? आपने देखा होगा आजकल हर प्रोडक्ट के साथ बारकोड आता है, और उस बारकोड के अंदर उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होती हैं। आज आप मूवी टिकट परचेज करने जाएं, वहां पर आपको बारकोड मिलता है। आज आप पेटीएम में कुछ ट्रांजैक्शन करना चाहें, वहां पर आपको बारकोड मिलता है। आज कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज करें, उस प्रोडक्ट के साथ एक बारकोड होता है, और जब उस बारकोड को स्कैन करते हैं तो उस बारकोड में उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होती हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एक्सपायरी डेट होती है, सारे मेरिट्स डीमेरिट्स होते हैं। गाइस, जैसे ही इस बारकोड को स्कैन करते हैं तो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन आ जाती हैं। एक बार अपने खुद का बारकोड स्कैन करके देखिए, अपने खुद को स्कैन करके देखिए, क्योंकि इस दुनिया में जितना अच्छा आप अपने बारे में जानते हैं, इस दुनिया की कोई ताकत नहीं जानती, आपको जन्म देने वाली आपकी माँ भी नहीं जानती। जितना अच्छा आप अपने एग्रेशन के बारे में जानते हैं, आप अपने फ्रस्ट्रेशन के बारे में जानते हैं, आप अपने एंग्जाइटी के बारे में जानते हैं, आप अपने कॉन्फिडेंस के बारे में जानते हैं, आप अपने मेंटल इश्यूज के बारे में जानते हैं, इस दुनिया में इतना कोई भी अच्छा नहीं जानता। तो एक बार अपने खुद के बारकोड को स्कैन कीजिए, अपने कम्युनिकेशन को स्कैन कीजिए, अपने खुद के बिहेवियर को स्कैन कीजिए, आपके खुद के करेक्टर को स्कैन कीजिए, आज अपने खुद के रिलेशनशिप को स्कैन कीजिए, आज आपके खुद के करियर को स्कैन कीजिए, और देखिए कि कहां पर प्रॉब्लम है। और अगर आप अपने आप को स्कैन कर सकते हैं, अगर आप अपने आप को जान सकते हैं, अगर आप अपनी खुद की प्रॉब्लम्स को हल कर सकते हैं, तो मेरी बात मानिए, आप इस दुनिया में किसी की भी प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। और अगर आज की डेट में आप किसी और के अंदर चेंजेस लाना चाहते हैं और चेंजेस नहीं ला पा रहे, तो समझ लीजिए पहले वो चेंजेस आपको खुद में लाने पड़ेंगे। और जिस दिन आप अपने खुद के अंदर वो चेंजेस लाएंगे, दुनिया के अंदर वो चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। सो डू नॉट ट्राई टू चेंज अदर पीपल्स, जस्ट विन देम। और उन्हें जीतने के लिए पहले आपको खुद को जीतना पड़ेगा। कोटेशन दोबारा सुनिए, मन जीते जग जीत। अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को हल कर सकते हैं तो आप इस दुनिया में किसी की भी प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। और अगर आप अपने बारे में जान सकते हैं, आप इस दुनिया में किसी के भी बारे में जान सकते हैं। एक डॉक्टर जब अपनी स्टडीज करने के लिए जाता है तो एक डेड बॉडी के ऊपर रिसर्च करता है, और रिसर्च करने के बाद, डॉक्टर बनने के बाद प्रैक्टिस करने के लिए वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में चला जाए, तो वो जो डेड बॉडी के ऊपर रिसर्च करके उसने लर्निंग्स ली हैं, वो उसी के बिहाफ पर 90-95% लोगों को ठीक कर देता है। रिसर्च उसने एक डेड बॉडी पर किया था, पर वो रिसर्च उसे मदद करता है इस वर्ल्ड के अंदर मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम को हल करने के लिए, क्योंकि वो खुद उस प्रॉब्लम को हल करने लायक बन चुका है। वो अपनी प्रॉब्लम्स को हल कर पा रहा है, इस वजह से उस दुनिया में किसी की भी प्रॉब्लम्स को हल कर पा रहा है। सेम इसी तरीके से 95% आप और मैं सेम हैं। जिससे मेरी बहुत ज़्यादा बनती है वो भी मेरे जैसा है,
जिससे मेरी दुश्मनी है वो भी मेरे जैसा है, जिसको देखकर मुझे प्यार आता है वो भी मेरे जैसा है, जिसको देखकर मुझे गुस्सा आता है वो भी मेरे जैसा है। 95% प्रॉब्लम हम लोगों की सिमिलर हैं, और अगर हम अपनी प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं तो हम इस दुनिया में किसी की भी प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। और प्रॉब्लम को हल करने के लिए हमें जानना पड़ेगा एवरी इफेक्ट हैज अ कॉज बिहाइंड। ध्यान से सुनिए, एवरी इफेक्ट हैज अ कॉज बिहाइंड। आज हमारी लाइफ में पर्सनली, फिजिकली, मेंटली, प्रोफेशनली, फाइनेंशियली कहीं पर भी प्रॉब्लम चल रही है, सो देयर इज अ कॉज बिहाइंड, किसी वजह से वो प्रॉब्लम आई हुई है। अगर हम उस वजह को खत्म कर सकते हैं तो हम उस इफेक्ट को भी खत्म कर सकते हैं जो हमारी लाइफ के अंदर आज की डेट में आया है। और अगर एक बार कॉज खत्म हो गया तो उसके इफेक्ट दोबारा नहीं आएंगे। आज आपकी पर्सनल लाइफ में, फिजिकल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, स्टडीज में, करियर में, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ नेगेटिव इफेक्ट्स, सो दैट मींस देयर इज अ कॉज बिहाइंड, एंड इफ यू कैन फाइंड द कॉज यू कैन रिमूव द इफेक्ट। और दूसरों की प्रॉब्लम हल करने से पहले, दूसरों को चेंज करने से पहले हमें अपने आप को चेंज करना है। समझने की कोशिश कीजिए, हम दूसरे को चेंज नहीं कर सकते। हमारा तो हमारे खुद के थॉट्स के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, तो हम दूसरे को कैसे चेंज कर सकते हैं। घर से सोच के जाते हैं कि ब्लू कलर की शर्ट लेनी है और मार्केट पहुंचते हैं और पर्पल कलर की शर्ट उठा लाते हैं। जब हमारा खुद के थॉट्स पर कंट्रोल नहीं है तो हम दूसरे के थॉट्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। गाइस, समझने की कोशिश कीजिए, हम लोग बात करते हैं बाहर के पॉल्यूशन के बारे में, हम लोग बात करते हैं बाहर की ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, हम बात करते हैं बाहर के ट्रैफिक के बारे में। एक बार इस अंदर की ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात कीजिए, एक अंदर के इस ट्रैफिक के बारे में बात कीजिए, अंदर के इस एयर पॉल्यूशन के बारे में बात कीजिए। अंदर कितना ज़्यादा एयर पोल्यूशन है, अंदर कितना वॉइस पोल्यूशन है, अंदर कितना ज़्यादा ट्रैफिक है, और हम दूसरों को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। गाइस, जब हमारा अंदर का माहौल कई बार ख़राब होता है तो हम अच्छी से अच्छी जगह पर भी चले जाते हैं तो उस इन्वायरमेंट को इन्जॉय नहीं कर पाते। कई बार हम हिल स्टेशन पर चले जाते हैं पर अंदर का माहौल ख़राब होता है तो वो हिल्स हमें चुभते हैं, वो प्रकृति भी हमें अच्छी नहीं लगती। कई बार अंदर का माहौल ख़राब होता है और हम पार्टी फंक्शंस में चले जाते हैं तो वो डीजे की आवाज़ भी हमारे कानों के अंदर चुभती है। और कई बार मन का माहौल अच्छा होता है, बहुत रिलैक्स्ड होता है, बहुत शांत होता है, गाइस हम लोग नेगेटिव मोमेंट को भी इंजॉय कर लेते हैं। तो यहाँ पर दूसरे को चेंज नहीं करना है, यहाँ पर हमें चेंज करना है खुद को, चेंज करना है खुद के बिहेवियर को, चेंज करना है खुद के कैरेक्टर को, चेंज करना है खुद के कम्युनिकेशन को, चेंज करना है अपने खुद के रिलेशंस को। और अगर आप ये चेंजेस अपने अंदर ला सकते हैं तो यकीन मानिए वो सभी चेंजेस जो आप दूसरे के अंदर लाना चाहते हैं वो चेंजेस ऑटोमेटिकली उनके अंदर आ जाएंगे, क्योंकि 95% आप और वो सेम हैं। और अगर आप अपने आप को जान सकते हैं तो आप इस दुनिया में किसी को भी जान सकते हैं। अगर आप अपनी प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं तो आप इस दुनिया में किसी की भी प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। और अगर आप अपने आप को नहीं जान सकते, अपनी प्रॉब्लम को हल नहीं कर सकते, तो आप इस दुनिया में किसी की प्रॉब्लम को हल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर चेंजेस आएंगे तो सबसे पहले आपके अंदर आएंगे और उसके बाद सोसाइटी के अंदर आएंगे। अगर आप खुद को जीत सकते हैं तो आप इस दुनिया को जीत सकते हैं। मन जीते जग जीत। सो अपने आप को जीतिए, और अपने आप को जीतने के लिए अपने आप को जानिए, अपने आप को पहचानिए, और अपने बारकोड को स्कैन करने के बाद जो नेगेटिव चीज़ें आई हैं उन्हें अपडेट कीजिए। धन्यवाद। मैं हूं आपका दोस्त हरमन, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मैं ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोज़ आपके साथ शेयर करता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद। गॉड ब्लेस यू।